कि 6 तारीख को जिस तरीके से पूरी दुनिया के सामने, पूरे देश के सामने भारत की का लोकतंत्र शर्मसार हुआ, उसी प्रकार से आज दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिल्ली पुलिस की जांच की निष्पक्षता के ऊपर भी पूरा प्रश्न चिन्ह लग गया है। और जिस तरीके के वीडियोज अभी आपने देखे कि कल भी जामिया में जिस तरीके से पुलिस की बर्बरता और उससे पहले भी पुलिस की जिस तरीके से बर्बरता है, तो उससे ऐसा लगता है कि पुलिस की ना केवल जांच में कमी है, शॉडी इन्वेस्टिगेशन है, बल्कि पुलिस की संलिप्तता भी है, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट भी इन सब चीजों के अंदर कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे नजर आती है। जब दिल्ली पुलिस अपने जांच को पूरा करके विक्टिम को ही अक्यूज बना दे, जब दिल्ली पुलिस से पहले हमारे टीवी चैनल्स अपने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए 5-6 दिन का समय मिला तो उसके अंदर नकाबपोशों को आइडेंटिफाई पुलिस नहीं कर पाई, लेकिन हमारे कई टेलीविजन चैनल सोशल मीडिया के ऊपर लोग जो हैं उनको आइडेंटिफाई करके चिन्हित करके उनको सामने दुनिया के ला सके हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस से अभी तक के कोई भी नकाबपोश उनसे आइडेंटिफाई उनके माध्यम से नहीं हुआ है। आज दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 3:30 बजे के वाक्या का जिक्र करके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के अंदर 9 नाम उन्होंने निकाले, लेकिन जो असली जो हादसा जिसमें बाहर के स्टूडेंट्स ने आकर के शाम को 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जो किया, जिसके अंदर स्ट्रीट लाइट्स वहां की बंद कर दी गई, लाइट्स वहां पे ऑफ कर दी गई, जिसके अंदर सीसीटीवी कैमरास की फुटिंग्स गायब कर दिए गए, उन सब चीजों के ऊपर उनको कोई जवाब नहीं। जो रात को जो असली में जो अंधेरे के अंदर शाम के समय पे जो असली में वायलेंस जो वहां पे जेएनयू में हुआ, जिसमें लोगों को चोटें आई, जिसमें लोग घायल हुए, जिसमें जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन आयशी घोष के ऊपर खुद के ऊपर उनके सर के ऊपर चोटें आई, उन सब चीजों के ऊपर कोई जवाब इनका नहीं है।